In lungs, which structure provide a large surface area for gaseous exchange? Alveoli. उसके बाद है name the muscles that that stretch from rib to rib and when they contract, they pull the ribs closer, enlarging the thoracic cavity. Intercostal muscles होते हैं जो ribs के दरमियान मौजूद होते हैं. जब ये contract करेंगे तो thoracic ribs एक दूसरे के करीब आती हैं और thoracic cavity जो है enlarge हो जाएगी. Breathing has two phases. Breathing दो phases हैं. Inhalation सांस के अंदर ले जाना, exhalation सांस का बाहर ले जाना. Intake of air है inhalation और outflow of air है exhalation. Name the evolutionary adaptation in those mammals that dive. For example, whales downward in the sea is the diving reflex. In addition to oxygen transport, what is another function of respiratory pigment? Short term oxygen storage भी करेगा. Respiratory pigments are the organic compounds that bind oxygen. Name these compounds. मेटालिक कॉपर या आयरन जो होती है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के अंदर मौजूद होती है, इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड कर देगी. हीमोग्लोबिन आर रेडिश पिगमेंट कंटेन विच मेटल, इसके अंदर आयरन होता है हीमोग्लोबिन के अंदर. नेम द मोस्ट कॉमनली अकरिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलस्क एंड सर्टेन क्रस्टेशंस, उसे कहते हैं हीमोसायनिन. नेम द मेटल कंटेंट इन द हीमोसायनिन, मेटालिक कॉपर मौजूद होती है. जब हीमोसायनिन ऑक्सीजनेटेड होती है तो उसका कलर कौन सा होगा? ब्लू. और जब हीमरिथ्रिन ऑक्सीजनेटेड होगी तो उसके कलर होगा पिंक. और हीमरिथ्रिन के अंदर मेटल कौन सी होती है? आयरन. अब साइफेनक्यूलन्स और प्रायोप्लेट्स के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? उसका नाम है हीमरिथ्रिन. व्हाट इज द कलर ऑफ क्लोरोक्यूरिन व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद अ लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन? ग्रीन कलर होता है. व्हाट इज द कलर ऑफ क्लोरोक्यूरिन व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद हाई ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन? ब्राइट रेड कलर होगा. ऑक्सीजन कम होगी तो ग्रीन कलर होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो ब्राइट रेड कलर होगा. क्लोरोक्यूरिन कंटेन विच मेटल, इसके अंदर भी आयरन होगा. क्लोरोक्यूरिन अकर इन विच फैमिलीज ऑफ एनिलिड, पॉलीशीट वर्म्स के अंदर यह मौजूद होता है. In addition to being transported bound to the hemoglobin and in the dissolved state, most CO2 is transported in the form of bicarbonates and the carbonic acids.